भारत ये एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग जाति और अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं, लेकिन इन सभी धर्मों और जातियों में एक धर्म ऐसा है जो पूरे इंडियंस को, जी हाँ सारे इंडियंस को एकजुट कर देता है, और वो है क्रिकेट। क्रिकेट के लिए क्रेजी इस कंट्री में शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने कभी बचपन में बैट बॉल ना खेला हो, और उन बच्चों में से अधिकतर का ये सपना होता है कि वो बड़े होकर टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कहा जाए आजकल के बच्चे जो है वो सोचते हैं कि एटलीस्ट हम आईपीएल जरूर खेलेंगे, और इन सभी सपनों में कुछ के सपने जो है वो साकार हो जाते हैं और वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो अपने करियर और फैमिली प्रेशर की वजह से उन सभी सपनों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और अपने करियर को संभालने लगते हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने ये साबित करके दिखा दिया है कि आखिर अगर आप अपने क्रिकेट को या फिर अपने पैशन को अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए रास्ते कहीं ना कहीं से बनकर जरूर निकल आते हैं, और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो निकल कर आया है सौरभ नेटरोवलकर का। जी हाँ, भारत के ही खेलने वाले ये खिलाड़ी, भारत को रिप्रेजेंट करने वाले ये खिलाड़ी अभी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने में बड़ी भूमिका निभाने के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि सौरभ नेटरोवलकर जो है इंडिया के होते हुए USA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी टीम की कमान संभाले हुए हैं। तो आज की इस इनसाइड स्टोरी में मैं आपको बताने वाली हूँ कहानी सौरभ नेटरोवलकर की, कैसे वो मुंबई में पैदा हुए, टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद से अब US टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कहानी नेटरोवलकर की। सौरभ नेटरोवलकर का जन्म 1991 में 16 अक्टूबर को हुआ था मुंबई में, और मुंबई में खेलने की वजह से जो है कहीं ना कहीं हमने देखा है कि मुंबई में सबसे ज्यादा क्रेज देखा जाता है क्रिकेट का, और कई सारे खिलाड़ी जो है मुंबई से निकलकर भी आए हैं, तो उन्हीं में से एक खिलाड़ी थे सौरभ नेटरोवलकर, जिन्होंने ये कोशिश की और उनकी चाहत थी तो टीम इंडिया को भी रिप्रेजेंट करें और पहले मुंबई के लिए खेलें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो उनका नाम आया तब आया जब उन्होंने खेली 2008-09 की कूच बिहार ट्रॉफी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 मैचेस में उन्होंने हासिल कर लिए 30 विकेट। इसके बाद से इनका नाम और आगे बढ़ता है और नाम आता है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप साल 2010 में खेला गया था न्यूजीलैंड में, जहाँ पे सौरभ नेटरोवलकर जो है टीम इंडिया के साथ थे और टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वहाँ उनका सामना होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की टीम थी वो भी नई थी और उनके सामने थे करंट पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम, लेकिन वहां पे पाकिस्तान की टीम से हमें हार मिली और टीम इंडिया जो है वो निराश होकर वापस लौट गई। इसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है साल 2013 में, जब सौरभ नेटरोवलकर जो है वो अपना रणजी डेब्यू करते हैं और मुंबई की तरफ से खेलते हुए जो है बहुत ही अच्छा एक डिसेंट परफॉर्मेंस करते हैं, उसके अलावा लेकिन रणजी में ही उनकी इकलौता ये मैच जो था वो उन्होंने खेला, लेकिन उसके अलावा जो है वो 15 के स्क्वाड में कई बार सेलेक्ट हुए लेकिन 11 में मौका नहीं मिला, कई बार स्क्वाड से भी ड्रॉप हुए, यानी कि रणजी में इन आउट वो चलते रहे थे। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो उनकी आगे कोशिश थी कि वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से या तो टीम इंडिया या फिर एटलीस्ट IPL में ही रिप्रेजेंट कर दें, वो ब्रेक थ्रू मिल जाए, लेकिन वो ब्रेक थ्रू उन्हें नहीं मिला। लिस्ट ए में उन्होंने काफी ज्यादा मैचेस खेले, वहाँ पे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भी उन्होंने कई बार खेला है, जिनके साथ में अंडर 15 17 अंडर 19 मुंबई की तरफ से खेल चुका, वो मेरे रणजी टीम में कैप्टन भी रहे हैं। लिस्ट ए के भी उन्होंने कई सारे ऐसे मैचेस खेले जहाँ पे उन्होंने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में काफी ज्यादा गेंदबाजी की और काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका इंटरेक्शन रहा था सूर्य कुमार यादव के साथ और भारतीय टीम के करंट कैप्टन रोहित शर्मा के साथ। रोहित भाई के साथ प्रैक्टिस में की है मैंने मुंबई में, पर वो मेरे सीनियर रहे तो उनके साथ प्रैक्टिस तो की है लेकिन मैच नहीं खेला है कभी। नेटरोवलकर की लाइफ कहीं ना कहीं सही नजर आ रही थी, लेकिन वो पढ़ने लिखने में भी काफी अच्छे थे, इंजीनियरिंग की उन्होंने बैचलर्स डिग्री कम्प्लीट की, और उसके बाद से जब साल 2015 आया तो उन्हें आता है एक ऑफर हायर स्टडीज और जॉब का, जिसकी वजह से उन्होंने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया, क्योंकि उनका क्रिकेट करियर इतना बेहतरीन नहीं हो पा रहा था, बहुत ही 100% देने के बाद भी उनका जो सिलेक्शन है वो रणजी में रेगुलर नहीं था और टीम इंडिया या फिर IPL में भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे US में और अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे, और एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इसके बाद से जब US गए तो वहाँ पे भी उनका जो कनेक्शन है, जो एक रूट से कनेक्शन होता है, वो उन्होंने नहीं छोड़ा, क्रिकेट से उन्होंने कनेक्शन नहीं छोड़ा, वीकेंड्स को उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्लब्स वगैरह के लिए खेलने लगे, फिर उनका लिस्ट ए USA के लिए डेब्यू हो जाता है साल 2018 में, और उसी के अगले साल यानी साल 2019 में वो खेलते हैं UAE के खिलाफ अपना पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला। साल 2019 के बाद इस T20 मुकाबले के बाद सौरभ नेटरोवलकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपनी इंजीनियरिंग करते हुए यानी कि अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने क्रिकेट खेलना बिल्कुल कंटिन्यू रखा और प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते रहे, और उसके बाद से USA की टीम जो है वो आपको नजर आती है T20 वर्ल्ड कप 2024 में। T20 वर्ल्ड कप में सौरभ नेटरोवलकर का नाम ऐसे तो दाम था क्योंकि उन्होंने लोगों ने बात की, यहाँ पे स्टैट्स निकल गया जहाँ पता चला कि वो रणजी खेल चुके हैं, अंडर 19 मीडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अब वो USA के लिए खेल रहे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा नाम आया पाकिस्तान के खिलाफ।
वही पाकिस्तान की टीम जो एक बार ये कहा जाए कि 2010 में नेटवर्कर जिस टीम में थे उस टीम को हराया था बाबर आजम की टीम ने, वही इस बार फिर से बाबर आजम सामने थे, इस बार थे सौरभ नेटवर्कर और पाकिस्तान को धूल चटाई यूएसए की टीम ने। सुपर ओवर किया था नेटवर्कर ने जहां उन्होंने अपनी टीम यूएसए को जीत दिलाई और क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट हमें देखने को मिला जहां पे यूएसए ने पाकिस्तान को हराया। नेत्रवलकर के सुपर ओवर वाले ओवर के बाद से उनका नाम और भी ज्यादा बढ़ने लगा और उसके बाद से टीम इंडिया के खिलाफ जब उनका मुकाबला होता है तो यूएसए की टीम ने भी कहीं ना कहीं परेशान किया टीम इंडिया को और वो हमने देखने को मिला कि काफी एक जबरदस्त मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में सौरव नेत्रवलकर ने दो बड़े विकेट लिए, टीम इंडिया के दो दिग्गजों के विकेट लिए, यानी कि उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के ही विकेट लेकर अपना नाम और भी ज्यादा ऊंचा कर लिया और इसके बाद से यूएसए की टीम को क्वालिफिकेशन के रेस में बहुत ही आगे पहुंचा दिया और अंततः भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ यूएसए की टीम हमारे ग्रुप से जो है क्वालिफाई कर चुकी है सुपर एट्स के लिए और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो रहा है वो रहा है सौरव नेत्रवलकर का। सौरव नेत्रवलकर की ये कहानी जो है हम सभी को इंस्पायर करती है कि अगर आप सच में चाहते हैं या आपके सच में कोई बड़े सपने हैं तो आप उन्हें पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से भगवान आपको रास्ते जरूर दिखा देता है। क्योंकि खुद सौरव या फिर किसी और ने भी दुनिया में नहीं सोचा होगा कि जो बच्चा मुंबई में पैदा हुआ, मुंबई के लिए खेला, इंडिया के लिए अंडर 19 खेला, उसके बाद से अपने क्रिकेट को पूरी तरीके से छोड़कर करियर पर फोकस किया, उसके बावजूद वो बंदा आकर इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल रहा है और पाकिस्तान और भारत जैसी बड़ी टीम से कम्पीट करते हुए उन्हें परेशान कर रहा है। तो ये सौरव नेत्रवलकर है जिन्होंने हम सभी को इंस्पायर किया है और जो भी बडिंग क्रिकेटर्स हैं उनको इंस्पायर किया कि अगर आपके सपने सच्चे हैं, आपके जुनून सच्चा है, आपकी मेहनत सच्ची है तो आपको रास्ते खुद ब खुद बनते हुए नजर आने वाले हैं। तो आपको सौरव नेत्रवलकर की कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और कहानियों और अननोन फैक्ट्स जानने के लिए क्रिकेट इंजिन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।